हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा की तरफ से बहुत अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है उन लोगों के लिए जो कि लो एजुकेटेड हैं या तो फिर लो रिक्वायरमेंट के तरीके से कनाडा जाना चाहते थे। बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों, ये एक पीआर प्रोग्राम है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का जो नाम है वो रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है। फ्रेंड्स मैं जानता हूँ ये प्रोग्राम पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, बट इसके पोर्टल्स ओपन नहीं किए गए थे जहाँ से आप लोगों को जॉब्स मिलेगी, जहाँ से आपको पीआर अप्लाई करना है उसके लिए जो पोर्टल्स थे, जहाँ से रिकमेंडेशन लेनी है कम्युनिटीज से, उसके पोर्टल्स ओपन नहीं थे उस वक्त, ये बंद थे। और मैंने वादा किया था कि जैसे ही ये खुलेंगे मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगा कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते चले कि इस प्रोग्राम में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस प्रोग्राम को कि ये एक पीआर प्रोग्राम है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है। साथ ही में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हो कनाडा के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये देखने को मिली कि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि जॉब्स भी आप लोगों को ये लोग ही देंगे और वीज़ा अप्लाई करने में भी यही आपकी हेल्प करेंगे और यही कम्युनिटीज आपको रिकमेंडेशन भी देगी। थर्डली बात की जाए दोस्तों, तो ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, मतलब के कुछ रूरल्स एरिया हैं, नॉर्दर्न एरिया हैं कनाडा के, मतलब के गांव देहाती वगैरह के, वहां पे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हो। अब वहां पे मसला ये था कि वहां पे लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से कनाडा को ये प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ा। अब बात की जाए कि लोग किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी गई कि इतने ऑक्यूपेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ऑक्यूपेशन में हो आप बिल्कुल आसानी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हो, कनाडा जा सकते हो। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे एक और ये लगी कि यहाँ पे लो एजुकेशन मांगी गई है, मतलब कि अगर आप 12 क्लास पास भी हो, मतलब कि इंटर किए हुए हो, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। साथ ही में इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। हाँ, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वीज़ा जो अप्लाई करोगे वो आप फेडरल इमिग्रेशन IRCC के तहत ही अप्लाई करोगे और वही आपको वीज़ा भी देंगे और PR भी देंगे। तो चलते हैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, आप जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि ये 11 कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको जॉब्स भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही में इंडोर्समेंट भी देगी। अब यहाँ पे सीन ऐसा है दोस्तों कि ये जो लिंक्स दिए हुए हैं आपको, अब देखो यहाँ पे कुछ पे लिखा हुआ है कमिंग सून, मतलब कि ये भी बहुत जल्दी जो है वो अपनी वेबसाइट्स निकाल लेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त आपको जो वेबसाइट्स दिख रही हैं यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं पे ही अप्लाई कर सकते हो। कुछ दिन बाद यहाँ पे चेकआउट करोगे तो और भी लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप सारी रिक्वायरमेंट्स खुद भी देख सकते हो आके। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि अगर आपको इन कम्युनिटीज से इंडोर्समेंट नहीं मिलती तो आप PR अप्लाई नहीं कर पाओगे। इन कम्युनिटीज से इंडोर्समेंट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप यहाँ पर चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको जॉब किस तरीके से मिलेगी। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी सारी डिटेल्स मेंशन हुई हुई है, लेकिन मैं आपको जो मेनली पॉइंट्स है वही सिर्फ बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बनी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी, ट्रक ड्राइवर की जॉब्स भी है, मशीन ऑपरेटर की भी है, इसके अलावा और भी जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर जॉब्स भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज पहला दिन है तो ऐसे ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है, लाइक ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है, तो आपने इस जॉब के ऊपर चले जाना है। जॉब पे जाने के बाद आपके सामने सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पहले ही दे दी गई है। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको साइन इन करनी होगी, मतलब कि आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और यहीं पर आपको CV भी अपलोड करनी होगी अपनी। अब यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपके पास कवर लेटर और अपनी CV बनी हुई होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी होगी उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको जॉब मिल पाए। अगर आपको यहाँ से जॉब मिल जाती है फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर इस कम्युनिटी की वेबसाइट के ऊपर आना है और यही कम्युनिटी आपको इंडोर्समेंट भी देगी, मतलब कि जिस कम्युनिटी से आप जॉब लोगे उसी कम्युनिटी से आपने इंडोर्समेंट भी लेनी है। अगर ये आपको इंडोर्समेंट नहीं देंगे तो आपको PR नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको इंडोर्समेंट भी इसी कम्युनिटी से लेनी होगी। और ये लेने के बाद फिर आप यहाँ पर आके PR के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम इस तरीके से वर्क करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अगर आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाते हो, हु कैन अप्लाई के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपके सामने सारी रिक्वायरमेंट्स दे दी गई है कि वर्क एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आईएलट्स भी मांगा गया है। अब आईएलट्स आप किस तरीके से चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका एनओसी लेवल 0 है तो आपको जो है वो आईएलट्स जो है वो 6.0 चाहिए, अगर आपका बी है तो आपको 5.0 चाहिए, और अगर आपका सी या डी है तो आपको 4.0 चाहिए। अब ये आप किस तरीके से चेक करोगे कि आपका एनओसी लेवल कौन सा है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है और ये लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का कुछ भी ऑक्यूपेशन सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे लेवल्स लिखे हुए आ जाएंगे। ये देखो सारे 0 लेवल के हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करो, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और आपके सामने एक लेवल सी वाली भी जॉब्स आ गई, बी वाली भी आ गई। तो आपको अपना ऑक्यूपेशन इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा है, और फिर ये लेवल देखने के बाद आपने यहाँ पर आना है वापस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे चेक करना है कि आपसे कितना मांगा गया है। अगर आपका CLB 4 है तो फिर आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि आपका CLB 4 है तो CLB 4 की क्या रिक्वायरमेंट है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको रीडिंग जो है वो 3.5 चाहिए, राइटिंग जो है वो 4.0 चाहिए, लिसनिंग जो है वो 4.5 चाहिए, और स्पीकिंग जो है वो 4.0 चाहिए। तो ये काफ़ी कम है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर भी करते हो तो बिल्कुल आसानी ये स्कोर आपके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी अप्लाई कर लेना है। सारी कम्युनिटीज़ में इसी तरीके से अप्लाई होगा, ये कम्युनिटीज़ हैं दो, बाकी इसके अंदर भी ऐसे ही आपने अप्लाई करना है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है, बट आपकी CV और कवर लेटर पहले से बना हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।